हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज होली है, हैप्पी होली सबको। आज 26 तारीख को हम लोग की तरफ होली है, बहुत जगह 25 तारीख को ही होली मन गया है और होली का शुरुआत हो चुका है। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या बना है और सब चीज़ दिखाऊंगी और कैसे कैसे होली मन रहा है मेरे तरफ। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग की तरफ कैसे होली मनता है। और लास्ट तक बने रहिए। और मैं अभी सोच रही हूँ कौन सा साड़ी पहनूंगी होली के अवसर पे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि आज मैं क्या क्या करती हूँ। तो चलते हैं अब आगे आगे, देखते रहिए आप लोग क्या क्या करने वाली हूँ मैं। और बने रहिए तब तक के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली। पहले तो ये मिट्टी खेल के आई थी, फिर अभी अबीर खेल के आ चुकी हैं। देखिए कैसी लग रही हैं। आज बहुत खुश है, खुशी का माहौल है पूरा घर में। सब लोग बिजी है, होली रंग अबीर मिट्टी नाली के पास। हेलो गाइस, देखिए मेरे घर होली का शॉपिंग हुआ है, कितना सारा सामान है। बहुत सारा सामान आया है मेरे घर। लगता है कि मतलब एक यज्ञ होने वाला है, उतना सामान आता है। देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्योंकि बहुत लोग खाते हैं मेरे घर होली के टाइम में। गांव के बहुत लोग को इनविटेशन दिया जाता है। देखिए कितना सारा सामान है, सारा सामान पैकिंग मतलब मार्केट से आया है तो उसको एक जगह रखा जा रहा है। देखिए कितना ज़्यादा सामान है, दो दो आदमी लगा है। देखिए बाल वाल कलर की हैं। देखिए सर पे पल्लू रख रही हैं। पागल जैसे लग रही हैं, बोल रही हैं, लेकिन अच्छी लग रही हैं। बस इतना ही सामान आया है। और होली के दिन देखिएगा आप लोग मेरे घर क्या क्या बनेगा। अभी तैयारी में लग चुका है सब लोग और हम भी वीडियो बनाने में लग चुके हैं। ये तो अब प्याज है नॉर्मल, बस इतना ही सामान है। बस देखिए जीरा मिर्च मिला रही हैं। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग घर भी तैयारी होने लगा है होली का। हेलो गाइस, तो देखिए होली के अवसर पे मेरे घर आज क्या मशरूम का सब्जी और लहसुन का सब्जी बनने वाला है। तो आज दिखाएंगे सब्जी कैसा बनता है। और देखिए ये प्याज कटाया हुआ है और ये है मशरूम और ये है लहसुन। और आज लास्ट तक बने रहिए और देखिए कैसा सब्जी तैयार होता है। देखिए हम लोग के घर में है कि पुआ मतलब हम लोग के घर में ही नहीं, केवल सबके घर में ऐसे होता है कि होली के दिन जो पुआ हुआ बनता है, सबसे पहले भगवान को चढ़ल बा चढ़ल सटे शायद कौल गोल, और भगवान को सबसे पहले पूजा होता है, उसके बाद से सब लोग खाते हैं, मंदिर में भी चढ़ाया जाता है। तो आज तो मैं मंदिर नहीं गई थी। मेरे घर के भगवान लोग, ये है दुर्गा माँ, ये विष्णु जी, और ये है शंकर भगवान, और ये है राम जी, और ये बजरंग बली मतलब सारे देवता गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं। और ये कुछ पूजा वूजा हुआ था उसका है। और ये है सरस्वती माता, मतलब लगभग सब भगवान का फोटो है। और ये है मेरे घर का मंदिर जो कि बहुत अच्छे से सजाया गया है। और बीच में एक भगवान जी हैं, अभी फिलहाल दो चार दिन पहले इनका वो फोटो जो फट गया है, फट नहीं गया है, फूट गया शीशा, उसको भरवाने के लिए गया है। और आज मैं मंदिर नहीं गई थी क्योंकि मैं यहाँ उतना बाहर नहीं निकलती हूँ गांव में। और देखिए ये है सब दीपक जला है और घर में पूरा पूजा हुआ है। ये भी एक मंदिर था पहले, ये टूट गया है, बस इसमें रामायण वगैरह का बुक वुक पूजा का सारा सामान इसमें रहता है। और ये है सब भगवान जी लोग। तो सबसे मेरे घर जब भी मतलब कुछ बनता है तो सबसे पहले भगवान जी को ही भोग लगाया जाता है।
आज भी वैसे ही लगाया गया है जैसे हर दिन लगाया जाता है। सबको एक गिलास में पानी रखा जाता है और एक बर्तन में भोग लगाया जाता है। ऐसे होता है मेरे घर का शुरुआत। और होली मतलब मेरे घर, मेरे गांव का, मेरे घर का कैसा लगा आप लोग को कमेंट में बताइएगा। मेरे घर आज पुआ कितना कम बना है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, कम दिख रहा है वीडियो में। पूरी बना है, इतना सारा पूरी बना है, बहुत सारा देखिए। और देखिए कितना कम प्याज है, कम नहीं है इसीलिए कम बोल रहे हैं। वही पकौड़ी बनेगा, इसका इसका सब्जी बनेगा। और ये आलू उबाला गया है पकौड़ी के लिए। देखिए सब लोग मिलजुल के बनाता है मेरे घर खाना। होली के अवसर पे सब लोग मिलजुल के बना रहा है। ये चावल का पुलाव बना है और देखिए इसमें बहुत सारा किशमिश है, काजू है, गरी है, लेकिन सब कोई टेंशन में आ गया, थोड़ा सा गीला हो गया है और बहुत लोग आने वाले हैं तो इसीलिए इधर उधर रखा गया है ताकि इसमें से थोड़ा सा स्टीम निकल जाए। मैं पर्दे के पीछे छुप के वीडियो में होली में पुआ पूरी का बात ही कुछ खास रहता है। देखिए पुआ और पूरी अभी खुला हुआ बनाने के बाद खाने पर इंटरनल में का कोई बड़ी अच्छा बन गया है। तो बोल रहा ये है मशरूम और लहसुन का सब्जी, बहुत टेस्टी बना है, देख के भी बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़ा आएगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। ऐसे ठंडा जा रहा है और एक सब्जी बन गया, एक सब्जी बन गया, दूसरा सब्जी फिर से बनने लगा। दूसरा सब्जी भी तैयार हो चुका है, छोला बहुत टेस्टी बना है, सब लोग बहुत तारीफ कर करके खा रहे हैं। अभी चूल्हा पर है, इसी पर से सब लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा दे दो, उसका सुगंध बहुत अच्छा है और बहुत मतलब टेस्टी बना है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं देखने में। और देखिए अब और आगे खाना दिखाती हूँ। तो देखिए ये प्याज का पकौड़ी है, बहुत सारा बना है। देखिए दही वड़ा भी बन चुका है और इसका सारा मसाला है। ये है काला नमक, ये है चाट मसाला और ये है जीरा पाउडर, ये लाल मिर्च है और धनिया का चटनी है और इमली और गुड़ का ये है चटनी। ये है दही वड़ा, अभी सजाया जाएगा, द्वार पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं हम लोग को देने के लिए। हाँ तो गाइस देखिए द्वार पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, उन लोगों के लिए दही वड़ा सजाया जा रहा है। और देखिए दो दो आदमी बिजी है और हम वीडियो बनाने में बिजी है, तो अभी दिखाते हैं कितना सारे लोग आए हैं होली गाने के लिए। हम लोग के गांव में बहुत अच्छे से होली मनता है और आप लोग के गांव में बना है कि नहीं आप लोग के घर दही वड़ा, बताइएगा कमेंट में। और कैसा लग रहा है देखने में भी बताइएगा, सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है। कितना देखिए ये कितना मस्त होली खेल के आई हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक मिट्टी और गुलाल भर के आ गई हैं, होली का मजा ही यही है। गाइस कल तो मैं अबीर खेली थी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आज भी मेरा हालत ऐसा हो चुका है। हेलो फ्रेंड, तो देखिए आज मैं अब ये पिंक कलर का साड़ी पहनी हूँ और ये है, आज सोच रही हूँ ज्वेलरी कौन सा पहनूँ, तो ये है एडिनग वाला, इसको पहनूँ या गोल्ड का पहनूँ तो डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ,
तो देखिए एक बार पहन के देखती हूँ इसको कैसा लग रहा है। देखिए ये वाला ये है और गोल्ड ये एडीनग का है, तो इसको सोच रही हूँ कि पहन लूँ, मैच कर रहा है या फिर घर में सब लोग बोल रहा है गोल्ड वाला पहनने के लिए, तो ये गोल्ड वाला है तो डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा पहनूँ। तो आप लोग कमेंट बताइएगा कौन सा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वही पहनूँ। और इसका इयर रिंग मैच है, इसका इयर रिंग ये वाला मैच है ये, और मेरे पास एक और है जो कि ये है झुमका। आज ये सब गोल्ड का है तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पहनूँ। और देखिए छोड़िए अब नहीं दिखाएंगे, किसी और दिन दिखाएंगे। और तो ठीक है फिर मिलते हैं, जा रहे हैं, सब लोग आ चुका है। और देखिए मेरे घर में गेस्ट आई हुई हैं जो कि बोल नहीं रही हैं, और इनका छोटू सा एक बाबू है, तो इसीलिए जा रही हूँ मैं सबको नाश्ता पानी खिलाने के लिए। और फिर होली खेलने के बाद मिलती हूँ आप लोग से। हाँ तो गाइस मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। देखिए ये चूड़ी पहनी है और ये गला का और ये पिंक कलर का साड़ी। अब मैं जा रही हूँ। हाँ तो गाइस हम लोग होली खेल लिए और पूरा अभी रात हो गया है, अभी रात के 9 बज रहे हैं, लगभग सारे लोग आके होली खेल के चले गए हैं। और अब हम लोग खाना भी खा लिए हैं और सोने जा रही थी, तो सोची कि आप लोग से बता दूं कि आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आप लोग का होली कैसा गया है कमेंट में बताइएगा, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग बताइएगा तो हमको पता चलेगा कि मेरा मिस्टेक कहाँ हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा दिन से तो मैं नहीं बना रही हूँ। आप लोग को भी पता है कि मैं बहुत कम ही दिन से बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमको वीडियो में क्या चीज़ सुधार करना है। और आज मैं थोड़ा सा हंसी भी हूँ, रोई भी हूँ, और मैं बताऊँगी आप लोग से, कभी ज़रूर बताऊंगी कि मुझे कोई भी फेस्टिवल अच्छा क्यों नहीं लगता। ओके बाय बाय, गुड नाइट, सबको अच्छे से रहिए आप लोग, और मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए।